कैसा होता अगर हमारे पास अपने भावनात्मक बोझ से छुटकारा पाने का कोई तरीका होता। हम सभी के जीवन में अतीत के कुछ साए होते हैं, वो यादें जो हमारा पीछा करती हैं और वो विचार जो हमारे जहन से चिपके रहते हैं, ऐसे मानो हमने अपने ही इतिहास से भविष्य का ताना बाना बुन लिया हो। उनको दबा देने की पूरी कोशिश करते हैं मगर इससे स्थिति और खराब होती है। इन पुरानी भावनाओं को दबाने से संसार को देखने के हमारे नजरिए में अस्पष्टता पैदा हो जाती है, कुछ ऐसे जैसे हम जीवन की राह में नींद में चल रहे हों। मनुष्य अक्सर वीडियो प्रोजेक्टर जैसा व्यवहार करते हैं जिसमें हम वर्तमान जीवन की सामान्य स्थितियों को अतीत की नकारात्मक छवियों से ढक देते हैं। परिणाम स्वरूप हम घटनाओं और सामाजिक परिस्थितियों का गलत अनुमान लगा लेते हैं। जीवन में नए लोगों से मिलना हमारे अवचेतन मन को उसकी याद दिलाता है जिसने कभी हमारे साथ कुछ गलत किया था। हो सकता है हमें इस बात की खबर भी ना हो, ये हमारा अवचेतन मन ही है जो इस कड़ी को जोड़ता है। ये भी हो सकता है कि हम इस नए व्यक्ति से बदला भी लें जिसने हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। हम हर मुलाकात में अपने पूर्वानुमान, पूर्व धारणाओं और अपेक्षाओं को साथ लेकर आते हैं, तो कैसे उतारें अतीत के बोझ को जिससे हम अपनी नियति का निर्माण करने में स्वतंत्र हो सकें। अतीत और वर्तमान के बीच नाता जोड़ना स्वाभाविक है, हम इसी तरह सीखते हैं और यही हमें सुरक्षित भी रखता है। ये हमारा अपना मन ही है जो हमारे अंदर इन तूफानों को पैदा करता है और हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे पूरे जीवन का काफी हिस्सा इस तूफान के केंद्र को ढूंढने में लग जाएगा जो हमारे चारों तरफ घूमता है। तो ये बड़ा सवाल है कि हम ऐसा क्या करें जिससे उन पुराने झटकों की प्रतिक्रियाओं को मिटाया जा सके जिनसे हमें अब कोई लाभ नहीं है। क्या करें कि पुराने घावों के और नए दाग न बने। इसका उपाय है और वो ये कि आप अपने विचारों और भावनाओं के बस साक्षी बन जाइए। तब आपको ये काफी साफ दिखाई देने लगेगा कि आप जो भी सोचते हैं उस सब पर आप विश्वास नहीं कर सकते। धीरे धीरे आप अपने पूर्वाग्रहों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि दरअसल ये चीजें बीत चुकी हैं, ये भ्रम है और इस भ्रम का वर्तमान क्षण से कोई नाता नहीं है। तो इस एक बात को सीख लीजिए, ये आपको एक नए जीवन का तोहफा देगी। इसका अभ्यास करिए, साक्षी बन जाइए, फिर देखिए आपका एक नया जन्म होगा। नमस्ते, I have traveled so many places around the world and I've never felt such a positive atmosphere. Just blew my mind.
नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका पुनः एक बार हार्टफुलनेस के ध्यानोत्सव के इस दूसरे दिन की सुबह में। हम विशेष रूप से स्वागत और अभिनंदन करना चाहेंगे हमारे उन साथियों का जो कल पहले दिन से इस ध्यानोत्सव में शामिल हुए हैं, और साथ ही उनका भी जो आज पहली बार इस ध्यानोत्सव में शामिल हो रहे हैं। ध्यानोत्सव यानी ध्यान का उत्सव, कल हमने देखा कि किस तरह से इस तनाव भरे युग में, इस दबाव और तनाव से भरी जिंदगी में हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। एक छोटे से हार्टफुलनेस अभ्यास के द्वारा हम अपने शरीर को, अपने मन को रिलैक्स और शिथिल कर सकते हैं। साथ ही हमने कल यह भी जाना कि किस प्रकार हम अपने मन को अपने अंदर, अपने हृदय में एक स्थान पर लाकर ध्यान की गहराई में डूब सकते हैं। आज इस ध्यान उत्सव का दूसरा दिन है और आज हमारा विषय है मानसिक निर्मलीकरण, मानसिक शुद्धिकरण। हार्टफुलनेस कुछ बहुत ही सरल किंतु प्रभावकारी तकनीक हमारे सामने लेकर आता है। ये तकनीक देखने में बहुत सरल और छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही गहरा और स्पष्ट समझ में आने वाला है। तो क्या है ये निर्मलीकरण या शुद्धिकरण, और क्या जरूरत है इसकी हमें, आइए समझते हैं। कल जब हमने ध्यान का अभ्यास किया था तो आप में से कुछ लोगों ने ये परेशानी महसूस की होगी कि बहुत सारे अनचाहे विचार ध्यान के समय हमारे मन में आते हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाता है और वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। ना केवल शुरुआत करने वाले बल्कि कभी कभी लंबे समय से ध्यान करने वाले लोग भी ये परेशानी महसूस करते हैं। क्या आपने सोचा कि ये विचार कहां से आते हैं? अगर आप ध्यान दें तो ये महसूस करेंगे कि विचार मेरे ही अंदर से, मेरे ही अवचेतन से आ रहे हैं। मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, कुछ ऐसी बात हुई जिसका प्रभाव मेरे मन पर पड़ा और वो प्रभाव मेरे मन के अंदर रह गया। वही प्रभाव एक विचार के रूप में ध्यान के दौरान प्रकट हो रहा है। कुछ उदाहरणों से हम इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कि ऑफिस में आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, आपके वर्क प्लेस पर जहां आप काम करते हैं आपके किसी साथी से आपकी अनबन हो जाती है, आपके बीच में एक वाद विवाद, एक हॉट टॉक हो जाता है। अब आप घर आते हैं, घर आकर आप अपने भोजन की टेबल पर बैठे हुए हैं, आपको भोजन परोसा गया है, लेकिन आपके दिमाग में, आपके मन में कहीं ना कहीं दिन में हुई वो घटना तैर रही है। आपको देखने वालों को लग जाता है आपका मूड आज ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि दिन में हुई घटना का भावनात्मक असर हमारे मन पर अभी भी है। इसी को हम छाप कहते हैं। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक बहुत अच्छी फिल्म देखकर आए हैं, आपकी मनपसंद फिल्म, सब कुछ बहुत अच्छा था, उसके कैरेक्टर्स, उसके हीरो हीरोइन सब आपको बहुत पसंद आए, पूरी फिल्म का आप आनंद लेकर आए। अब आप घर आकर पढ़ाई करने बैठे, लेकिन आपके दिमाग में अभी भी उस फिल्म के कुछ दृश्य तैर रहे हैं। आप अपने आप को जो पढ़ रहे हैं उस किताब पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में तैर रहे हैं फिल्म के विचार, उसके दृश्य। ये छाप है, उस फिल्म का असर है जो आपके मन पर पड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया है और अक्सर ही हमारे जीवन में होती रहती है। जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं या जो विचार हम करते हैं या
उन घटनाओं की तरफ हम जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, उस सब का एक असर हमारे मन पर पड़ जाता है। और इसीलिए जब इस तरह की बहुत सी घटनाएं इकट्ठा हो जाती हैं और हम शाम को घर आते हैं, तो अपने आप को हम इन भावनात्मक बोझ के नीचे दबा हुआ सा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी चेतना धुंधली हो गई। जिस तरह एक दर्पण जब साफ और स्वच्छ होता है तो उसमें हमें अपना चेहरा बहुत ही स्पष्ट, एकदम क्लियर नजर आता है। लेकिन अगर उस दर्पण पर धूल लग जाए, एक के बाद एक धूल और भाप और इसी तरह की चीज अगर उस दर्पण पर लगती जाए, तो कुछ समय बाद वो दर्पण धुंधला हो जाता है, फिर हमें उसमें अपना चेहरा साफ नजर नहीं आता। ऐसे ही हमारा मन है, जब इस पर घटनाओं के प्रभाव और छापे पड़ जाती हैं, तो हमारी समझ मानो ढक जाती है। हमारी चीजों को समझने की क्षमता, उनको सही रूप में महसूस करने की क्षमता इन भावनात्मक प्रभाव के नीचे दब जाती है और हम चीजों को सही रूप में महसूस नहीं कर पाते, उनको सही ढंग से समझ नहीं पाते। इससे हमारी कठिनाई और बढ़ती जाती है। हम घर आते हैं, अपने आप को मुंह हाथ धोकर हम तरोताजा तो कर लेते हैं, शारीरिक थकान भी हम थोड़ा सा आराम करके मिटा लेते हैं, लेकिन इस भावनात्मक थकान का क्या? हम अक्सर इसे दूर नहीं कर पाते, ये आगे और गहरी होती जाती है। मान लीजिए कि आज मेरा जिस व्यक्ति से झगड़ा हुआ है, अगर मैं उसी के बारे में सोचता रहूं, तो मेरे उसके बारे में नकारात्मक विचार और बढ़ते जाएंगे। कल जब मैं उससे मिलूंगा तो फिर इस बात की संभावना हो जाएगी कि मेरा फिर उससे झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने मन में एक पूर्वाग्रह, एक नकारात्मक विचार लेकर जा रहा हूं। अभी हम वीडियो में देख रहे थे कि किस तरह व्यक्ति अपने जीवन में पहले हुई घटनाओं के असर से मुक्त नहीं हो पाता है, और वो जो इस नए व्यक्ति से व्यवहार करता है, भले ही उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उसको प्रतिक्रिया देता है। इसी कारण क्या होता है कि हमारी कुछ आदतें डेवलप हो जाती। मान लीजिए कि आप अपने कार्यस्थल में आप बॉस की भूमिका में हैं, आपको बहुत सारे लोगों से काम कराना पड़ता है, आपके कुछ कार्यकर्ता, आपके कुछ सबॉर्डिनेट जो हैं, वो ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं। उनके ठीक ढंग से काम ना करने पर आपको अक्सर ही गुस्सा आता है, आप उन पर चिल्लाते हैं। अगर आप रोज चिल्लाते हैं, रोज उन पर गुस्सा करते हैं, तो ये गुस्सा करना एक तरह से आपका स्वभाव या आपकी आदत बन जाएगी। अगर ये आपकी आदत बन गई, तो कोई व्यक्ति अगर उस बीच में सामान्य बात भी करता है, तो भी आप चिल्ला कर ही उसका जवाब देंगे। तो होता यूं है कि इन चीजों का हमें एहसास हो जाता है कि हमसे ये गड़बड़ियां हो रही हैं, लेकिन हम उनसे मुक्त नहीं हो पाते। हम अपने आप को उन आदतों का गुलाम महसूस करते, हम चाहते हुए भी और ये ना चाहते हुए भी कि ऐसा हो, हम वैसा ही करने को विवश हो जाते। आखिर क्यों? क्योंकि मन पर पड़ी हुई ये छापें हमारे स्वभाव को, हमारे व्यवहार को नियंत्रित कर रही है, ये हमारे अवचेतन में चली गई। ये बात यौगिक मनोविज्ञान तो मानता ही है, आधुनिक विज्ञान भी इस बात को बड़ी दृढ़ता से स्वीकार करने लगा है। एक प्रसिद्ध जीव विज्ञानी है डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, जिनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है बायोलॉजी ऑफ द बिलीफ, उसमें वे कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का 90-95% हिस्सा उसके अवचेतन में पड़ी हुई इस प्रोग्रामिंग के द्वारा संचालित होता है। जिस तरह कंप्यूटर अपने अंदर के सॉफ्टवेयर के द्वारा, अपने प्रोग्रामिंग के द्वारा संचालित होता है, उसी तरह हम भी अपने अवचेतन मन में पड़ी हुई इन छापों के द्वारा संचालित होते हैं, हमारा व्यवहार उनके द्वारा गवर्न किया जाता है। तो इस सबसे मुक्त होने का, इस सबसे ऊपर उठने का तरीका क्या है?
क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि ये छापे मेरे मन से हटा दी जाएं? जैसे हम कंप्यूटर को कई बार रिबूट कर लेते हैं, हम एक एंटीवायरस चलाकर उसके अंदर के सारे जो माल फंक्शनिंग है उसको हटा देते हैं। क्या ऐसा मेरे जीवन में भी कुछ हो सकता है? जी हाँ, हार्टफुलनेस की जो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो यही है। वो हमारे मन पर पड़ी हुई इन छापों को, इन भावनात्मक प्रभावों को हटाने की एक बहुत ही सरल और प्रभावी तकनीक है। क्या करते हैं हम इसमें? हम इसमें आराम से बैठ जाते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अपने शरीर को शांत स्थिर हालत में ले आते हैं और फिर हम अपने मन में एक संकल्प लेते हैं, एक विचार लेते हैं कि ये जो भी अशुद्धियां मेरे अंदर हैं, जो भी उलझने या जटिलताएं मेरे अंदर हैं, ये सब बाहर जा रही हैं। कहां से? पीठ की तरफ से। हम ये सोचते हैं कि ये धुआं बनकर या भाप बनकर बाहर जा रही है। ये एक संकल्प है, इसे हम बनाए रखते। हम इस बात पर ज्यादा मनन नहीं करते हैं, बल्कि बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें थीं जिनने मन पर असर डाला था। उन पर सोचने की जरूरत नहीं, बस केवल एक सिंपल सा विचार, एक साधारण सा विचार कि जो भी अशुद्धियां हों, जो भी उलझने हों, वो धुआं बनकर पीठ की तरफ से जाए। जब हम कुछ देर ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमें एक हल्कापन महसूस होना शुरू, क्योंकि इस भावना का प्रभाव हटने लगता है। जब हमें ये हल्कापन महसूस होना शुरू हो कुछ मिनट बाद, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ये प्रक्रिया करने के बाद, तो हम इसमें दूसरा विचार जोड़ते हैं कि सामने से दिव्य स्रोत से एक दिव्य धारा आ रही है और वो सामने की तरफ से मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं भी पूरी तरह वैक्यूम नहीं हो सकता है। जब कहीं वैक्यूम होता है तो वैक्यूम आजू बाजू से हवा को और दूसरी चीजों को खींच लेता है। तो जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, अशुद्धियों को हटाते हैं, तो अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, एक खालीपन आता है। तो हम उस खालीपन को एक डिवाइन करंट से, एक दिव्य धारा से भरने के लिए एक दूसरा संकल्प लेते हैं। आप जब इसको करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये प्रक्रिया इतनी प्रभावशाली है कि इसको करने के बाद हम अपने आप को मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करते हैं। जैसे गर्मी में बहुत बाहर से लंबी यात्रा से आने के बाद अगर हम ठंडे पानी में एक डुबकी लगा लें, एक शॉवर ले लें, तो हम एकदम तरोताजा और फ्रेश महसूस करेंगे। वैसे ही हमारे ऊपर मानसिक बोझ, भावनात्मक बोझ जो पड़ा है, उसके बाद अगर हम ये क्लीनिंग कर लें, ये सफाई की ये प्रक्रिया कर लें, तो हम अपने आप को एकदम तरोताजा और फ्रेश महसूस करेंगे। तो आइए आज हम इस प्रक्रिया का प्रायोगिक अभ्यास करते हैं। अभी हम आपको यहाँ से कुछ निर्देश यहाँ से देंगे, आप उनको ध्यान से सुनिएगा, उनको फॉलो कीजिएगा और उनके साथ साथ ये सफाई की प्रक्रिया करिएगा। ये लगभग 10 मिनट चलेगी। इसके साथ ही हम ध्यान शुरू कर देंगे और इस विषय पर चर्चा ध्यान के बाद हम जारी रखेंगे। तो हम शुरू करते हैं, कृपया आराम से बैठ जाइए। अपनी आंखें बहुत ही हल्के से कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। हम अपनी सभी अशुद्धियों और जटिलताओं को मानसिक रूप से साफ करने के लिए बैठे हैं। सोचें कि ये सभी अशुद्धियां और जटिलताएं हमारे शरीर से बाहर जा रही हैं। सोचें कि ये पीठ की तरफ से बाहर जा रही है।
अपनी पूरी पीठ की तरफ अटेंशन रखें, सिर के पिछले भाग से शुरू करते हुए नीचे रीढ़ की हड्डी के आखिरी छोर तक पूरी पीठ की तरफ से ये सभी अशुद्धियां बाहर जा रही हैं। सोचें कि ये अशुद्धियां धुआं बनकर या भाप बनकर बाहर जा रही हैं। मैं एक बार दोहराता हूं, सोचें कि सभी अशुद्धियां और उलझने धुआं बनकर या भाप बनकर पीठ की तरफ से बाहर जा रही हैं। वे अशुद्धियां क्या हैं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बस जो भी कुछ है उसे जाने दीजिए। अब अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हुए इस प्रक्रिया को थोड़ा तेज कीजिए। यानी सोचें कि अब और तेजी से सभी अशुद्धियां धुएं और भाप के रूप में पीछे की तरफ से बाहर जा रही हैं। अगर मन में कोई और विचार आए तो उस पर ध्यान न दीजिए और हल्के से सफाई की प्रक्रिया पर वापस आ जाइए। सभी अशुद्धियां पीठ की तरफ से बाहर जा रही।
ये ख्याल बनाए रखिए कि सभी अशुद्धियां और उलझने धुएं के रूप में पीठ की ओर से बाहर जा रहे हैं। छापों के हट जाने से आप शुद्धता और हल्कापन महसूस करना शुरू करेंगे। सोचें कि सामने की तरफ से एक दिव्य धारा आ रही है और वह मेरे अंदर मेरे हृदय में प्रवेश कर रही है। महसूस करें कि सामने से आ रही ये दिव्य धारा बची हुई अशुद्धियों को भी पीछे से बहाकर निकाल रही है। महसूस करें कि शरीर का एक एक कोना, एक एक रोम इस दिव्य धारा से भरता जा रहा है। अंत में सोचें कि अब मैं पूरी तरह शुद्ध हो चुका हूं या हो चुकी हूं और मेरी पूरी संरचना, पूरा शरीर ईश्वरीय धाम की तरह, ईश्वर के निवास की तरह निर्मल हो गया है। आइए अब अपना ध्यान धीरे से हृदय पर ले आते हैं। सोचें कि दिव्य प्रकाश का स्रोत मेरे हृदय में मौजूद है। जो मुझे अंदर की ओर आकर्षित कर रहा है। इसी विचार के साथ अगले निर्देश तक कृपया ध्यान जारी रखिए।
कृपया ध्यान समाप्त कीजिए। कुछ देर अपनी आंखें बंद रखते हुए अपनी दशा पर गौर कीजिए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं उस पर गौर कीजिए। और अब बहुत ही हल्के से अपनी आंखें खोलते हुए वर्तमान में आ जाइए। ध्यान के दौरान आपको जो अनुभव हुआ, आपने जैसा महसूस किया, उसको आप एक डायरी में लिख सकते हैं। साथ ही स्वयं को ये सुझाव दे सकते हैं कि ध्यान के द्वारा प्राप्त ये दशा दिन भर बनी रहेगी और चारों ओर फैलेगी। तो निश्चित ही आपने आज के अभ्यास में इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया का प्रभाव महसूस किया होगा। हम क्यों करते हैं आखिर शुद्धिकरण? इसका मतलब ये नहीं है कि हम अशुद्ध हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर कोई मेहमान आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम पूरे घर को फिर से नए सिरे से साफ करते हैं। हम घर का एक एक कोना कोना साफ कर देते हैं। जितना बड़ा, जितना महत्वपूर्ण मेहमान है, उतनी ही महत्वपूर्ण हमारे घर की तैयारी हो जाती है। अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, हमारा कोई बहुत खास और प्रिय व्यक्ति आ रहा है, तो कई बार तो घर के बेडशीट, पिलो कवर्स और पर्दे तक बदल जाते हैं। हम चाहते हैं कि उसके स्वागत में घर पूरी तरह तैयार हो। तो इसी तरह अगर इसी नजरिए से देखें तो हम ध्यान में क्या कर रहे हैं? हम उस दिव्यता को, उस परम तत्व को हमारे हृदय रूपी घर में आमंत्रित कर रहे हैं। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि ये हृदय रूपी घर पूरी तरह साफ, पूरी तरह तरोताजा और उसके स्वागत के लिए तैयार हो? जब हम इस भाव से उसे आमंत्रित करेंगे तो उसकी उपस्थिति को और गहराई से अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। कब करें ये सफाई की प्रक्रिया? इसके लिए सबसे उचित समय है शाम का समय, जब हमारे दिन भर का काम समाप्त हो जाता है या हम अपने वर्क प्लेस से घर वापस आते हैं। तो पहले हम शारीरिक शुद्धिकरण करें, मुंह हाथ धो लें, फ्रेश हो जाएं, और उसके तुरंत बाद हम कुछ मिनट का समय निकालकर ये मानसिक निर्मलीकरण या शुद्धिकरण करें। एक स्थान पर आराम से बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए, और जैसा अभी हम कर रहे थे, ये संकल्प लीजिए कि सभी अशुद्धियां धुआं बनकर, भाप बनकर मेरी पीठ की तरफ से बाहर जा रहे हैं। लगभग 15 से 20 मिनट ऐसा करते रहिए। जब आपको लगने लगे कि हाँ, अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है, तब सोचिए कि सामने से दिव्यता की धारा आ रही है और मेरे तंत्र में सामने की ओर से प्रवेश कर रही है। इसके तुरंत बाद आपको फिर से ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। आज चूंकि ये प्रैक्टिस का सेशन था, इसलिए हमने गाइडेड क्लीनिंग के बाद, इस सफाई के बाद हमने कुछ देर ध्यान किया। लेकिन जब आप शाम को इसे रोज करते हैं तो इसे केवल इस सफाई का अभ्यास भर कीजिए। अंत में इस संकल्प के साथ समाप्त कीजिए
कि अब मैं पूरी तरह शुद्ध हो चुका हूं, मानो मेरा ये शरीर ईश्वर का निवास स्थान बन गया है, देवालय बन गया है। जब आप इसे रोज करेंगे तो आप इसका असर अगले दिन के ध्यान पर महसूस करेंगे। अगले दिन के ध्यान पर आपको इसका असर स्पष्ट समझ में आएगा। जब आप इसे नियमित रूप से अपने जीवन में लाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी चेतना और साफ होने लगी, मन रूपी दर्पण में अब चित्र बिल्कुल क्लियर दिखने लगे, हमको चीजें और अच्छे से समझ में आने लगी, हमारी समझ बढ़ती जाए। इस बढ़ी हुई समझ का उपयोग आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। आपके जीवन के हर कार्य में, हर पहलू में ये शुद्ध समझ, ये साफ हुई समझ आपकी मदद करेगी। केवल जीवन में ही नहीं, अगर आप अध्यात्म में गहन रुचि रखते हैं और आप उस दिव्यता को अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं तो उसमें भी ये आपकी बहुत मदद करेगी। क्योंकि योग शास्त्र का मानना है कि ये मन पर पड़ी हुई छापें अगर दृढ़ रही आए, अगर ये साफ ना हो तो ये संस्कार बन जाते हैं और ये संस्कार हमारे पूरे जीवन को गवर्न करने लगते हैं, ना केवल इस जीवन को बल्कि आने वाले जीवन को। योग शास्त्र तो यहां तक कहता है कि हमारा जो वर्तमान जीवन है ये हमारे पुराने संस्कारों के द्वारा ही संचालित है। तो ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया उस प्राचीन योग शास्त्र में हार्टफुलनेस के द्वारा जोड़ा गया एक चमत्कारी अभ्यास है जो इन पुराने संस्कारों को भी कालांतर में साफ कर सकता है और हमें अपने अतीत से मुक्त कर सकता है। जब हम इस अतीत के बोझ से मुक्त होंगे तो उस दिव्यता को, उस परम तत्व को हम अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। क्योंकि ये कहा गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। केवल निर्मल मन के द्वारा ही हम उस वास्तविकता को अपने हृदय में महसूस कर सकते हैं। तो आइए हम आपको आमंत्रित करते हैं इस शुद्धिकरण के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर जाकर आप एक बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं। हार्टफुलनेस का अभ्यास करके एक पुस्तिका है, उसमें ध्यान की विधि, शुद्धिकरण की विधि बहुत सरल शब्दों में समझाई गई है। तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर उस बुकलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप और अधिक जानकारी इस अभ्यास के बारे में, हार्टफुलनेस के बारे में चाहते हैं तो वही डिस्क्रिप्शन में हमारा एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, आप उस टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं। वहां पर एक ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है और आप उस ईमेल एड्रेस पर भी संपर्क करके हार्टफुलनेस के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कल हमारे ध्यानोत्सव का तीसरा दिन है और कल हम एक और नया अभ्यास, एक और नई तकनीक आपको बताएंगे। इस नई तकनीक में हम ये जानेंगे कि स्वयं के अंदर स्थित दिव्यता से कैसे जुड़ा जाए, हमारे अंदर जो दिव्य स्थित है उससे हम स्व से कैसे जुड़े, उससे कैसे अपने रिश्ते को गहरा करें। साथ ही साथ हम गहरी नींद और एक अच्छी नींद कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसकी तकनीक। तो हम आपको आमंत्रित करते हैं कल हमारे ध्यान उत्सव के तीसरे सत्र में शामिल होने का। कृपया आप सभी शामिल होइए और अपने दूसरे मित्रों को, अपने अन्य सहयोगियों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित कीजिए। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।